हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इग्नू के वीकली डोज के अनदर एपिसोड में, जहां पर अब इग्नू के अंदर लास्ट वीक जुड़ी हुई गतिविधियां डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड को। सबसे पहले हम बात करते हैं इग्नू के जुलाई 2024 सेशन के न्यू एडमिशन की। तो जैसा कि आपको मालूम है कि लास्ट डेट फ़िलहाल 15 अक्टूबर है इग्नू के एनुअल बेस प्रोग्राम एडमिशन की। अगर आप अभी भी एडमिशन लेना चाहते हो इग्नू में और फॉर्म नहीं भरा है, फीस नहीं भरी है, तो 15 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है। और याद रखिए, सेमेस्टर बेस या सर्टिफिकेट प्रोग्राम के एडमिशन ऑलरेडी क्लोज हो गए हैं। इसके साथ साथ ही जुलाई 2024 सेशन का एडमिशन अभी तक भी जिसका कन्फर्म नहीं हुआ है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा और प्लीज़ इंतज़ार करें। आई नो ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग आप लोगों के लिए हो सकता है, बट यू हैव टू वेट फॉर सम मोर टाइम। आपका एडमिशन 101% कंफर्म हो जाएगा। इन द मीन टाइम मैंने जुलाई सेशन वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाई हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद बात करते हैं री रजिस्ट्रेशन की। दोस्तों, जुलाई 2024 सेशन के री रजिस्ट्रेशन अब ऑफिशियली क्लोज हो गए हैं। 30 सितंबर के बाद इसको अब फर्दर एक्सटेंड नहीं करा गया है, ना ही एनुअल बेस प्रोग्राम का, ना ही सेमेस्टर बेस प्रोग्राम का। तो अगर आप जुलाई 2024 सेशन री रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, तो अब आपको वो अगले सेशन में ही करना पड़ेगा। अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे आपके प्रोग्राम के ऊपर, उसके रिकॉर्डिंग भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं दिसंबर 2024 एग्ज़ाम्स की। सबसे पहले तो एग्जामिनेशन फॉर्म एज यू नो निकले हुए हैं। 15 अक्टूबर तक विदाउट एनी लेट फी आप एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा असाइनमेंट सबमिशन की जो लास्ट डेट है, वैसे तो मैं बार बार आपको बोल रहा था 31 अक्टूबर है एक्सटेंड होगी, अब इग्नू ने भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। असाइनमेंट सबमिशन जिसने अभी तक नहीं करा, वो 31 अक्टूबर तक असाइनमेंट को सबमिट कर सकता है। वेरियस रीजनल सेंटर की गाइडलाइंस हैं, जिनकी वीडियोस मैंने बना रखी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। साथ साथ दिसंबर 2024 सेशन की एक नई टेंटेटिव डेट शीट रिलीज़ करी गई है, वो भी मैंने हाल फिलहाल में इसकी भी वीडियो बनाई थी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दिसंबर 2024 सेशन के लिए ही जो आपके प्रोजेक्ट सबमिशन, जो आपके ऑनलाइन डिसर्टेशन सबमिशन, इंटर्नशिप रिपोर्ट सबमिशन का जो लिंक है, वो भी एक्टिवेट कर दिया गया है, जिसे सबमिट करने की लास्ट डेट 30 नवंबर है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे रिलेवेंट लिंक मिल जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं जून 2024 के रिजल्ट की। देखिए दोस्तों, आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 6 अक्टूबर को। जून 2024 टर्म एंड एग्जामिनेशन के रिजल्ट अगर आपके अभी तक नहीं आए हैं, चाहे वो एक सब्जेक्ट क्यों ना हो, दो क्यों ना हो, तीन क्यों ना हो, थ्योरी पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, तो अब आपको ईमेल करना पड़ेगा अपने इवेल्युएशन सेंटर को। और ईमेल कैसे करना है, कहाँ करना है, किस ईमेल आईडी पे करना है, उस वीडियो का लिंक आपको डिटेल मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप जाइए उस वीडियो को देखिए। और एज ऑन टुडेज डेट भी आपका जून 2024 सेशन का रिजल्ट अगर पेंडिंग है टर्म एंड एग्जामिनेशन थ्योरी का, तो आप लोग प्लीज़ अब एक ईमेल डाल दीजिए। उसके बाद 4-5 दिन बाद देखते हैं क्या रिप्लाई उनकी तरफ से आता है, उसके बाद हम लोग फर्दर एक्शन की बात करेंगे। साथ साथ जो असाइनमेंट के स्टेटस का वेट कर रहे हैं, अभी मैं आपको बता दूं, लास्ट वीक में भी असाइनमेंट कुछ बच्चों के प्रोसीड हुए हैं जून सेशन के, तो आप असाइनमेंट का स्टेटस चेक करते रहिए। और मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई है कि जिन बच्चों का असाइनमेंट का स्टेटस भी अभी तक अपडेट हुआ नहीं है, तो वो बच्चे एक बार ईमेल कर दीजिए अपने स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर को। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, काफ़ी लोगों ने जून 2024 सेशन के रिजल्ट के बाद रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई करना कैसे होता है, उसकी लिंक तो डिस्क्रिप्शन में है। और रिवोल्यूशन का जो रिजल्ट है, अप्लाई करने के अप्रॉक्स 40 से 50 दिन के बाद आता है। तो अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, 40 से 50 दिन आपको हो गए हैं, उसके बावजूद आपका स्टेटस शो नहीं हो रहा, रिवोल्यूशन का रिजल्ट का स्टेटस का अलग लिंक होता है, ठीक, तो वो आपका शो नहीं हो रहा, तो एक बार आप ग्रीवियांस फॉर्म भर सकते हैं। बाकी रिवोल्यूशन करवाने के बाद बेस्ट ऑफ मार्क्स कंसिडर होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपके 100 में से 50 नंबर आए थे, रिवोल्यूशन के बाद वो 45 हो गए, तो आपको 50 नंबर ही दिए जाएंगे, बेस्ट ऑफ टू कंसिडर करे जाते हैं, ठीक है। ये हो गई सारी रिवोल्यूशन की बात। बाकी दोस्तों, आज के इस वीकली डोज में इतना ही।
कुछ खास मेजर अपडेट मुझे लगता नहीं होगी, बट आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।